फ्रेंड, आज आपका हमारे इस नई वीडियो में स्वागत है। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे पास होंडा कंपनी की जांच गाड़ी आई हुई है न्यू मॉडल की। इसमें फ्रेंड प्रॉब्लम क्या है वो हम आपको बताएंगे कि हमारे कस्टमर का क्या कंप्लेन है। तो सबसे पहले तो फ्रेंड ये गाड़ी के बारे में हम थोड़ा डिटेल देंगे। देख सकते हैं, ये न्यू मॉडल की होंडा कंपनी की जांच गाड़ी है। तो इसमें फ्रेंड क्या प्रॉब्लम है, जब कस्टमर गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो इनके मीटर पे चेक लाइट का सिंबल आता है, और इसके कारण क्या प्रॉब्लम है वो हम आपको बताएंगे। फ्रेंड, चेक लाइट आने की वजह से कस्टमर को क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। सबसे पहले तो हम गाड़ी को स्टार्ट करेंगे। देख सकते हैं, ये फ्रेंड ऑटोमेटिक गाड़ी है, ठीक है। ये देखिए, चेक लाइट जो है मीटर पे कंटिन्यू है। ये हमने गाड़ी स्टार्ट करके रखा है, आप इसका साउंड भी सुन सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो इसमें क्या फ्रेंड प्रॉब्लम है, जब ये गाड़ी हम रिवर्स में डालते हैं तो जोर का झटका लेता है। ये देखिए, ऐसा पूरा झटका लेता है, हिला देता है आदमी को। देखिए फ्रेंड, हमने रिवर्स में डाला है तो रिवर्स में जब डालते हैं तो जोरों का झटका लगता है, और चेक लाइट भी कंटिन्यू मीटर पे आता है। तो फ्रेंड हमें क्या लग रहा है, इसका जो मेगाटोनिक गियर का जो ऑटोमेटिक का मेगाटोनिक आता है, उसका जो सॉकेट आता है, उसका सॉकेट का कोई वायर चुआ हुआ काट दिया है, या कुछ ब्रेक हो गया है कोई वायर कहीं से। तो सबसे पहले तो फ्रेंड हम इसको एक बार, इसका जो एयर फिल्टर का बॉडी आता है उसको हम एक बार ओपन करके और गियरबॉक्स के ऊपर जितने भी सेंसर आते हैं उनकी सारी वायरिंगें चेक करेंगे कि कोई वायर जरा चुआ हुआ तो नहीं काट दिया है। तो ये इसका एयर फिल्टर है, तो हम इसका एयर फिल्टर ओपन करेंगे, ओपन करके फिर इसके नीचे जितने भी वायरिंग है एक बार चेक करते हैं। अगर चेक करने पे अगर कोई वायर अगर नहीं मिसिंग रहेगा, नहीं काटा रहेगा, तो फिर इसके बाद हम इस गाड़ी का स्कैनिंग करेंगे, और स्कैनिंग करके उसमें फिर देखेंगे कौन से सेंसर का प्रॉब्लम है, कि चेक लाइट ब्लिंक कर रहा है और रिवर्स में जब हम डालते हैं तो गाड़ी झटका लेता है। तो सबसे पहले तो हम इसका एयर फिल्टर ओपन करके आपको दिखाते हैं। तो देख सकते हैं आप लोग, हम इसका एयर फिल्टर बॉडी बाहर ले रहे हैं। तो ये हमने इसका एयर फिल्टर बॉडी बाहर ले लिया है। ये फ्रेंड, तो हम इसका सबसे पहले तो थोड़ा वायरिंग चेक करेंगे। देख सकते हैं इसका वायरिंग बराबर है। इसका भी वायरिंग ठीक है। तो फ्रेंड इसकी सारी वायरिंगें ठीक है, चूहा ने किसी वायर को काटा वाटा नहीं है, ठीक है फ्रेंड। तो हम इसका अभी स्कैनिंग करेंगे, स्कैनिंग करके चेक करेंगे कि कोई सेंसर वेंसर गया है क्या। आप देख सकते हैं यहाँ पे किलोमीटर का सेंसर है, ये मिसिंग है कि क्या, कौन सा सेंसर गया हुआ है। ये देख सकते हैं, ये TPS सेंसर है, ये अपना बूस्ट प्रेशर सेंसर है। तो इसमें से किसका सेंसर का प्रॉब्लम है फ्रेंड, हम स्कैनिंग करेंगे और स्कैनिंग करके चेक करेंगे। जैसा कि फ्रेंड आप देख सकते हैं, ये गाड़ी हम रनिंग कर रहे हैं, तो रनिंग में फ्रेंड देख सकते हैं हमारी गाड़ी डी में है, लेकिन फिर भी इसका जो डी एन का सिंबल आता है, देख सकते हैं न्यूट्रल का ब्लिंक कर रहा है। ऐसा लग रहा है गाड़ी न्यूट्रल में है, लेकिन हमने डी में गाड़ी डालकर रनिंग कर रहे, देख सकते हैं ये हमने डी में डाला हुआ है। तो फ्रेंड ये गाड़ी में यही प्रॉब्लम है, चेक लाइट भी आ रहा है, और जब हम गाड़ी रनिंग करते हैं तो ऑटोमेटिक जो डी एन डी रिवर्स जो सिंबल आता है वो एन करके ब्लिंक करने लगता है,
देख सकते हैं न्यूट्रल और डी दोनों ब्लिंक कर रहा है एक साथ में, डी भी लिखा हुआ है और न्यूट्रल भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम इसे पहले तो स्कैनिंग करेंगे और स्कैनिंग करके चेक करेंगे कैसा क्यों प्रॉब्लम आ रहा है करके। देख सकते हैं फ्रेंड यहाँ हमारी गाड़ी रनिंग हो रही है फिर भी ऐसा ब्लिंक हो रहा है। ठीक है, तो हम इसको स्कैनिंग करके आपको चेक करके बताते हैं क्या प्रॉब्लम है करके। तो आप देख सकते हैं हम लोग इसका स्कैनिंग कर रहे हैं, स्कैनिंग करके आपको फॉल्ट कोड बताते हैं क्या है इसका फॉल्ट कोड। देख सकते हैं फ्रेंड ये इसका फॉल्ट कोड आ रहा है IAT सेंसर सर्किट हाई वोल्टेज दिखा रहा है। तो देख सकते हैं फ्रेंड हमने इसका फॉल्ट कोड क्लियर किया है, तो अभी तो हमारा लाइट चला गया है, तो हम एक छोटा सा टेस्ट ड्राइव लेंगे कि फिर से प्रॉब्लम आता है कि नहीं चेक लाइट हमारा, तो उसके बाद हम चेक करेंगे क्या है प्रॉब्लम करके। फ्रेंड देख सकते हैं हमने इसका स्कैनिंग करके इसका क्लियर फॉल्ट क्लियर करके हमने इसका टेस्ट ड्राइव लिया, तो फिर से इसका लाइट आ गया है, तो हमने फिर से इसको स्कैनिंग किया, तो देख सकते हैं अभी हमारे स्कैनिंग में क्या दिखा रहा है। देख सकते हैं फ्रेंड स्पीड सेंसर का सिग्नल आ रहा है करके, टर्बल स्पीड सेंसर ए सर्किट नंबर सिग्नल करके आ रहा है, तो हम इसको चेक करेंगे। इसका कोड है P0717, तो हम इसको पहले चेक करते हैं कि इसका क्या फॉल्ट है और फॉल्ट को हम चेक करेंगे। तो जैसा कि फ्रेंड हमने आपको बताया था कि इसका हमने स्कैनिंग किया था, तो स्कैनिंग में स्पीड सेंसर करके फॉल्ट आ रहा था, तो हम इसका सेंसर ओपन करेंगे तो हम आपको दिखाते हैं इसका सेंसर कहाँ आता है। ये देख सकते हैं गेयरबॉक्स में आता है, ये देखिए हमने इसका एयर फिल्टर ओपन किया है, तो ये देखिए आपको अंसारी जरा हाथ लगा के दिखाइए, ये देखिए रेडिएटर के बाजू में आता है। ठीक है, रेडिएटर के बाजू में आप देख सकते हैं गेयरबॉक्स में लगा रहता, तो हम ये सेंसर ओपन करेंगे और सेंसर ओपन करके और आपको दिखाते हैं। सेंसर ओपन कीजिए अंसारी जी, हम इसको बाहर निकाल रहे, देखिए बाहर निकाल के आपको दिखाते हैं, बाहर लाइए। ये देख सकते हैं फ्रेंड, तो ये इसका स्पीड सेंसर है, तो फ्रेंड इसका फॉल्ट आ रहा था क्योंकि इसका वायरिंग किधर कट नहीं है, क्योंकि वायरिंग अगर कट रहता तो फ्रेंड क्या होता है जब हम स्कैनिंग करते हैं, तो स्कैनिंग करने के बाद इसका जो फॉल्ट कोड आता है वो क्लियर नहीं होता है, तो ये हमारा ये फॉल्ट कोड क्लियर हो रहा था। तो फ्रेंड हम इसका ये जो सेंसर है स्पीड सेंसर इसको बोलते हैं, तो हम इसको रिप्लेस करेंगे क्योंकि फ्रेंड हमने कल स्कैनिंग किया था, स्कैनिंग में इसका फॉल्ट कोड भी क्लियर हो रहा है, अगर क्लियर नहीं होता था तो इसका वायरिंग किधर कट रहता था, तो इसके लिए इसका वायरिंग कट नहीं है, सेंसर का ही प्रॉब्लम है, तो हम इसका सेंसर अरेंज करके इसको रिप्लेस करेंगे और रिप्लेस करके फिर से आपको ये गाड़ी को चलाकर दिखाएंगे। तो फ्रेंड देख सकते हैं हमने इसका स्पीड सेंसर अरेंज कर दिया है, ये देख सकते हैं नया वाला है ये जूना वाला है। ठीक है फ्रेंड, तो हम इसको गाड़ी में फिट करेंगे और फिट करके आपको दिखाते हैं चालू करके जो हमारा प्रॉब्लम था ये फिटिंग का वो सॉल्व हुआ है कि नहीं। ठीक है, ये लगाएंगे उसका चेक करेंगे टेस्ट ड्राइव लेके कि हमारा जो चेक लाइट था वो चेक लाइट ऑटोमेटिक जाता है कि नहीं। ये हमारा नया है, तो फाइनली देख सकते हैं हमने इसका सेंसर रिप्लेस कर दिया है, ये देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो अब हम इसका एयर फिल्टर लगाएंगे और गाड़ी स्टार्ट करके एक टेस्ट ड्राइव लेंगे। तो हमने इसका स्पीड सेंसर फिट कर दिया है गाड़ी में, एयर फिल्टर बॉडी हमने ओपन किया था इसे भी फाइनली फिट कर दिया है। देख सकते हैं फ्रेंड इधर थोड़ा वायर चुआ हुआ काटा था, तो इसे भी पूरा टेपिंग कर दिया है। ठीक है, तो अब हम गाड़ी स्टार्ट करते हैं और चेक करते हैं हमारा जो चेक लाइट का प्रॉब्लम था वो सॉल्व हुआ है कि नहीं हुआ है। अंसारी जी गाड़ी चालू कीजिए।
तो अब हम चेक करते हैं, हमारे मीटर पे चेक लाइट आता था वो गया कि नहीं गया। तो देख सकते हैं फ्रेंड, देख सकते हैं फ्रेंड, ये हमने गाड़ी स्टार्ट करके रखा है, इसका चेक लाइट भी ऑटोमेटिक जा चुका है, देख सकते हैं। ठीक है, और फ्रेंड इसमें एक और प्रॉब्लम था, जब हम गाड़ी रिवर्स में डालते थे तो पूरा झटका लेता था, ये देख सकते हैं। अब किसी प्रकार कोई झटका भी नहीं है, स्मूथली एकदम गियर शिफ्टिंग हो रहा है, ये देख सकते हैं। डी में से एन में डालेंगे या एन में से रिवर्स में डालते थे तो पूरा गाड़ी ऐसा झटका लेता था, आप देख सकते हैं। एक पूरा गियर शिफ्टिंग भी प्रॉपर तरीके से हो रहा है, देखिए रिवर्स, ये डी, ये एन। पहले फ्रेंड ऐसा दिखता नहीं था, डी और एन, ये डी के ऊपर ऐसा क्रॉस का मार्क आता था जब हम गाड़ी रनिंग करते थे। तो ठीक है फ्रेंड, तो हम इसका एक छोटा सा टेस्ट ड्राइव लेंगे कि हमारा रनिंग करते समय ये डी डी ही लिख के आता है ना, एन में एन ही आता है ना, रिवर्स में रिवर्स ही आता है ना, क्योंकि पहले क्या था, डी में हम डाल के जब गाड़ी रनिंग करते थे तो डी और एन दोनों ऐसा लिख के आता था एक के ऊपर। ठीक है फ्रेंड, तो हम इसका छोटा सा टेस्ट ड्राइव लेते हैं। और उसके बाद तो फाइनली फ्रेंड आप देख सकते हैं, ये हमने इसका स्पीड सेंसर रिप्लेस किया था। ठीक है, तो अभी हमने गाड़ी को स्टार्ट करके टेस्ट ड्राइव के लिए निकले हैं। तो देख सकते हैं हमारा पहले प्रॉब्लम क्या था, जब हम गाड़ी रनिंग करते थे तो डी में जब हम डाल के रखते थे, देखिए हमने डी में डाला है, तो जब हम रनिंग करते थे तो रनिंग में हमारा जो डी जो लिखा हुआ है वो डी और एन दोनों एक साथ लिख कर आता था, ना डी ही लिखा हुआ दिखता था ना एन ही लिखा हुआ दिखता था। तो हमने इसका स्पीड सेंसर रिप्लेस किया है, तो अभी देख सकते हैं हमने डी में डाला है और इसको हम ट्रायल लेते हैं चला के, देख सकते हैं। तो हमारा जिसमें हम डी में डालते हैं तो डी ही है, एन में डालेंगे तो एन ही लिख के आ रहा है, तो इसका मतलब हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है, हमारा इसका चेक लाइट भी जा चुका है। और फ्रेंड जब इसका चेक लाइट आ रहा था तो गाड़ी में पिकअप बिल्कुल नहीं था, अभी देख सकते हैं हम जैसा रेस करते वैसा हमारे गाड़ी का पिकअप बढ़ रहा है, देख सकते हैं ये हमारा गाड़ी ओके हो चुका है। ठीक है फ्रेंड, और देख सकते हैं मीटर पे हमारा सिर्फ डी ही लिख के आ रहा है, क्योंकि ये हमारी होंडा जाज ऑटोमेटिक गाड़ी है तो इसके पिकअप में प्रॉब्लम था, इसका स्पीड सेंसर का प्रॉब्लम था, इसके लिए इसका पिकअप भी नहीं लेता था। और हम डी में डाल के गाड़ी जब ड्राइव करते थे तो डी और एन दोनों ऐसा क्रॉस करके आता था, ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं हमने डी में ही डाला हुआ है। देख सकते हैं फ्रेंड, जैसा हम एक्सलेटर पे पैर रखते हैं वैसी तुरंत हमारी गाड़ी हवा से बात करती है, पहले बिल्कुल भी पिकअप नहीं था ये गाड़ी में, देख सकते हैं फ्रेंड, फुल एक्सलेटर देने के बाद भी 20-30 की स्पीड में भागता था। ठीक है फ्रेंड, देख सकते हैं हमारे मीटर पे चेक लाइट भी नहीं है, पहले चेक लाइट कंटिन्यू मीटर पे ऐसे ही आता था, हटता नहीं था, देख सकते हैं कंटिन्यू मीटर पे चेक लाइट रहता था। अभी हमारा चेक लाइट भी जा चुका है, ठीक है, तो हमने आपको दिखा दिया है, देखिए हमने इतना लंबा टेस्ट ड्राइव ले लिया है। देख सकते हैं अभी तक हमारा डी में ही है, कुछ भी ऐसा लिख के नहीं आया कि चलो डी और एन दोनों साथ में लिख के आ रहा है, देख सकते हैं अभी भी हम टेस्ट ड्राइव ले ही रहे गाड़ी का। ठीक है फ्रेंड, तो ये हमारा ट्रायल हो चुका है पूरी तरह से, अब हम आपको दिखाते हैं, ये देखिए डी में ही हमारा है, अभी हम इसको एन में डालेंगे तो देखिए एन ही आएगा, पहले आप डी डालिए, एन डालिए, कुछ भी डालिए, आपको डी और एन दोनों क्रॉस करके आता था, ये देखिए अभी हमने एन में डाला, ये हमारा एन है, अभी हम फिर से डी में डालेंगे, ये देख सकते हैं ये हमारी डी में गाड़ी आगे बढ़ रही है, देख सकते हैं, अब फिर से हम एन में डालेंगे, देखिए ये हमने एन में डाला, ये देखिए मीटर पे एन लिख के आ रहा है, देख सकते हैं फ्रेंड, पहले एन लिख के नहीं आता था, पहले एन के ऊपर ऐसा क्रॉस मार्क दिया आता था कि क्रॉस मतलब कुछ वार्निंग करके देता था कि आपके ट्रांसमिशन जो आता है उसमें कुछ आपका इशू है गियर के अंदर, तो इसके लिए ऐसा वार्निंग करके आता था। ठीक है फ्रेंड, तो ये हमारा गाड़ी पूरी तरह से प्रॉपर ओके हो चुका है। ठीक है, तो अब हम इसको गैरेज पे ले जाके कस्टमर को डिलीवरी दे देंगे, क्योंकि हमने आज शाम को उनको देने का वादा किया है, तो आज शाम को हम ये गाड़ी कस्टमर को डिलीवरी दे देंगे। तो ये
हमारा ये देख सकते हैं, ये हमारा गाड़ी पूरी तरह से ओके हो चुका है। मनोज जी, कोई प्रॉब्लम है गाड़ी में? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, गाड़ी हमारी पूरी तरह से ओके हो चुकी है, गाड़ी में किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप देख सकते हैं इसका जो चेक लाइट था वो ऑटोमेटिक चेक लाइट भी इसका चला गया है। ठीक है, देखिए हम पी में डालें तो पी आ रहा है, डी में डालेंगे देखिए रिवर्स में डालें तो रिवर्स लिख के आ रहा है, एन में डालते तो एन लिख के आता है, डी में डालते तो डी लिख के आता है। ठीक है, ये सारे जो भी प्रॉब्लम थे इस गाड़ी में, फ्रेंड इसमें गाड़ी में बहुत सारे प्रॉब्लम थे। ये गाड़ी में सबसे पहले तो चेक लाइट कंटिन्यू मीटर पे आता था, और दूसरा प्रॉब्लम क्या था फ्रेंड, जब हम गाड़ी स्टार्ट करके और रिवर्स में डालते थे तो ऐसा झटका लेता था, देख सकते कोई झटका नहीं लेता है, वो भी हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। और दूसरा गाड़ी में पिकअप का भी प्रॉब्लम था, गाड़ी हम फुल रेस करते थे तो गाड़ी ऊपर की तरफ चढ़ता था, वो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। अभी हम जैसे ही पैडल को एक्सेलेटर पैडल को टच करते हैं वैसे हवा से बात कर रही है, वो हमने आपको दिखाया था इसका टेस्ट ड्राइव लेके। ठीक है फ्रेंड, तो सिर्फ हमने इस सारे चीज़ों के लिए सिर्फ हमने एक ही चीज़ इसमें रिप्लेस किया है, वो है स्पीड सेंसर जो हमने आपको दिखाया था। ठीक है फ्रेंड, तो हमारा इस गाड़ी में स्पीड सेंसर का प्रॉब्लम था तो हमने रिप्लेस कर दिया है, और रिप्लेस करने से हमारा जो भी प्रॉब्लम था वो सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो चुके हैं। ठीक है फ्रेंड, तो अब हम ये गाड़ी कस्टमर को डिलीवरी दे देंगे बिना किसी तकलीफ के और बिना किसी प्रॉब्लम के, क्योंकि हमने इसका लंबा टेस्ट ड्राइव भी ले लिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले क्या होता था फ्रेंड, जैसे हम आधा किलोमीटर समझ लीजिए जैसे रनिंग करते थे तुरंत चेक लाइट आ जाता था, क्लियर करने के बाद भी आधा किलोमीटर के अंदर ही चेक लाइट इसका आ जाता था। अभी हमने प्रॉपर टोटल इसका 8 किलोमीटर हमने रनिंग करके आया है, लेकिन अभी तक चेक लाइट नहीं आया, लेकिन अभी भी गाड़ी स्टार्ट है, हम आपको दिखा दे देंगे। अभी भी गाड़ी हमने स्टार्ट ही रखा है, ये देखिए अभी हमारा गाड़ी स्टार्ट है। ठीक है फ्रेंड, तो ये हमारा गाड़ी पूरी तरह से एकदम प्रॉपर ओके हो चुका है। अगर आप लोगों को हमारे इस गाड़ी का काम का वीडियो थोड़ा भी पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इसी तरह आपका प्यार और आशीर्वाद हमारे ऊपर बनाए रखिए कि हम आगे चलकर आपको अच्छे से अच्छे वीडियो आपके सामने पेश कर सकते हैं।